नमस्कार, मैं हूँ एस के मालविया। आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आज की जो प्रेस वार्ता आपने बुलाया है, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने 27 फरवरी 2004 को दैनिक वेतन कर्मचारी एवं स्थायी कर्मी, जो सरकार ने दैनिक वेतन भोगी बना के रखा, स्थायी कर्मी को थोपा था, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में सरकार से जवाब तलब किया, 6 साल के अंदर सरकार उसमें कोई जवाब नहीं दे पाया और उस हाईकोर्ट ने सरकार पे 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया था। उसके बाद सरकार के अधिकार को ख़त्म कर दिया। 27 फरवरी को एक तरफा फैसला दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने और सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप जो लोक अदालत में समझौता हुई थी, उस समझौते के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक उमादेवी प्रकाश को दृष्टांत देते हुए, एक और ओम प्रकाश बनर्जी का दृष्टांत देते हुए और इरफान कुरैशी, इनका दृष्टांत देते हुए और सरकार की जो परिपत्र है 2007 का और 2016 का, उसको ओवरलुक करते हुए उसको प्रभावहीन कर दिया। और नए सिरे से आप लिस्ट बनाइए जो दैनिक वेतन भोगी रेगुलर हुए और जो नहीं हुए उनका लिस्ट बनाते हुए 10 साल से इनका सेवा हो गया उनको रेगुलर कर दीजिए। 120 दिन के अंदर पूरा वित्तीय सहित नियुक्ति देना। तो क्या कहना उनका, इनका दोबारा से क्या कहना सरकार का? अभी अभी तो 27 फरवरी को फैसला हुआ है, हम सरकार को जानकारी देंगे कि ये फैसला है आप लागू करिए और उसके बाद सरकार का जो भी कहना है, क्योंकि इसमें अपील का कोई बंदोबस्त नहीं है जी। ना अपील में हम जा सकते हैं ना सरकार जा सकती, क्योंकि जो लोक अदालत की समझौता हुई थी उसका अपील का नियम नहीं है। कितने कर्मचारी हैं भाई? तो इसके एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 30 से 35 हज़ार लोग होंगे। और जो लोग आज से 5 साल 10 साल पहले रिटायर हो गए, वो भी अगर चाहे तो इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम गोकुल चंद्र राय, मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ दैनिक वेतन कर्मचारी महासंघ का। पुष्पक विमान गैरेज में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, जामवंत जी जो विराजमान थे, वो पुष्पक विमान 7 तारीख को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहा है, जिसके अगले दिन ही हमारे महाशिवरात्रि पावन पर्व है। तो हम चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे वो पुष्पक विमान नगर भ्रमण कराएंगे, जो कि हम सुबह 9:30 बजे कर्फ्यू वाली माता के मंदिर से नगर भ्रमण कराएंगे। सिंधी माथे, जनकपुरी, घोड़ा निकास, इसके बाद हनुमानगंज, हनुमानगंज से अपना मंगलवारा, इतवारा, इतवारे के बाद चौक, पीपल चौक, लखेरापुरा और वापस कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में समापन होगा। आपकी जो समिति है, आप अयोध्या भी गए थे आप जी, वहाँ का कैसा अनुभव रहा? वहाँ का अनुभव तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, भाव विभोर कर देने वाला है। बिल्कुल जो पल था, जैसे आप देख रहे हैं पूरा संसार ही राममय हो रहा था, तो हम तो वहाँ साक्षात भगवान के दर्शन कर पा रहे थे, तो हम उसको कैसे बता सकते हैं क्या रहा होगा जी। ये तो आप समझ सकते हैं कि वो भाव विभोर कर देने वाला टाइम था और आज भी भगवान राम के हम कृपा है कि मतलब हमें वापस फिर से मौका मिला कि पुष्पक विमान वापस आ रहा है। और आप जो बता रहे हैं शिवरात्रि पर पुष्पक विमान को लेकर आप बता रहे हैं, और क्या क्या कार्यक्रम बताएंगे डब्ल्यू टीम की तरफ से? हमारी डब्ल्यू टीम की तरफ से हम सबसे पहले तो विशेषकर इस बार हमने महिलाओं को भी आगे बढ़ाया है, कन्याओं को, महिलाओं को, माता बहनों को, जो कम से कम 25 लड़कियाँ आगे शंखनाद करते हुए चलेंगी। और वो एक मैसेज है समाज के लिए, जो लड़कियाँ पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रही हैं, क्लबिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो रही हैं, उनको हम चाहते हैं कंधे से कंधे मिलाकर लड़कों के साथ वो भी भरी गर्मी में वो नंगे पाँव शंखनाद करेंगे। इससे गर्ल्स के लिए भी वो है, अभी आप देख रहे हैं आज के ज़माने में जैसे यहाँ हॉस्टल्स में लड़कियाँ रहती हैं, पेरेंट्स से देख नहीं रहे हैं, तो बिना उसके वो अपने हिसाब से दिनचर्या उनका जीने की लाइफ स्टाइल अलग है। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि उस दिन भी भगवान की आराधना करें और आगे लोगों को बताएं कि हमसे लोग जो लड़कियाँ हैं गर्ल्स हैं वो जुड़ें और हमारे करीब कितने दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? लगभग कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और टीम सक्रिय है? हमारी टीम 1 महीने से सक्रिय है, क्योंकि इसके पहले तो हम अयोध्या के लिए कर रहे थे, अब अयोध्या के बाद फिर हमने यहाँ की तैयारी करी, तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे थे और अभी चल ही रही है।
आपने डमरू बजाना कब से शुरू किया? हमने डमरू बजाना ये मतलब हमारे घर के बाजू में मंदिर है तो हम सब वहाँ जाके आरती में लोग मशीनों से आरती करते थे तो वहाँ पे कोई मतलब आदमी नहीं देता था तो हमें ऐसा लगा भाव आया कि मतलब लोगों के यहाँ तो मंदिर में लोग होने चाहिए जहाँ आदमी स्वयं आरती श्रम से आरती करे लेकिन वहाँ मशीनें होती है सबसे चौन करा घंटे बज रहे हैं तो हमने वहाँ दो तीन चार लड़के जोड़े और वहाँ से कीर्तन करना चालू करा डमरू बजाना चालू करा आरती में। कब से? लगभग इसको तो हमें 10-12 साल हो गए। अच्छा 10-12 साल से डमरू भी 10-12 साल से बजा रहे हैं? हाँ और पहले से बजा रहे हैं मतलब आप आरती करते हो बचपन से ही लगे थे मंदिर में आरती में तो बचपन से ही जा रहे हैं। अच्छा आज आपकी उम्र क्या है? नमस्कार आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।